हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पहला पाठ आपने पढ़ा जो कि रेलवे स्टेशन था। कुछ बच्चों ने अभी तक उसका होमवर्क नहीं बताया है और बाकी बच्चे होमवर्क जल्दी से जल्दी बता दें ताकि वो साथ में रहें और पिछड़े नहीं, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो पार्ट था रेलवे स्टेशन, उसके हमने क्वेश्चन आंसर और प्रवृत्ति वगैरह सब करवा दिया है। तो आज हम दूसरा चैप्टर लेंगे, वो भी एक कविता है और वो कविता देशभक्ति कविता है, तो जिसका शीर्षक है हिंद माता ने संबोधन। हम अपने देश को माता के रूप में संबोधित करते हैं, अपने वतन को मातृभूमि के रूप में जानते हैं, धरती को धरती माता कहते हैं, क्योंकि यह देश, यह धरती, यह मातृभूमि हमें पाल पोष कर बड़ा करती है ठीक माता की तरह। तो हिंद माता ने संबोधन, ने मतलब को, हिंद माता को संबोधन, तो ये कविता हम आज देखेंगे। ये देशभक्ति की कविता है। जब हम किसी बड़े को संबोधित करते हैं तो मानवाचक शब्दों के साथ हम उनको संबोधित करते हैं। तो यहाँ हम ये कविता देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो उनके कवि हैं उनका परिचय लेंगे। इनका फोटो भी दिया है यहाँ पे, जिनका नाम है मणिशंकर रत्न जी भट्ट। उनका उपनाम है कांत। आप देखिए उनको इन्वर्टेड कोमा में लिखा है कांत, है ना। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा सूचना देना चाहता हूँ कि आप जब भी पाठ पढ़ें तो किताब खुली रखेंगे, कॉपी पेन भी खुला रखेंगे, ताकि आप नोट कर सकें और किताब में देखते जाएं और साथ साथ पढ़ते जाएं, ठीक है। दूसरा कि आप साथ में ईयरफोन रखें, हेडफोन रखें, ताकि आपको मेरी आवाज़ बराबर सुनाई दे, जिससे आपको समझने में भी आसानी रहे। तो आप ईयरफोन हेडफोन का उपयोग करें, वॉल्यूम अच्छे से सेट करके रखें। तो ये हिंद माता ने संबोधन जो कविता है उसके कवि है मणिशंकर रत्न जी भट्ट, कांत जिसका उपनाम है। हम देखते हैं उसको। इनका जन्म 20/11/1867 में हुआ था, मृत्यु 16/6/1923 में हुआ था। कवि कांत नो जन्म अमरेली जिल्लाना लाठी पासेना चावंड गाममा थयो हतो। कवि कांत का जन्म अमरेली जिले के लाठी पास चावंड गांव में हुआ था। कांत कवि नाट्यकार अने धर्मचिंतक हता। कांत जो थे वो कवि भी थे, नाट्यकार भी थे और धर्मचिंतक भी थे। बच्चों, क्या होता है, कोई कवि या लेखक होता है वो सिर्फ कविता या कहानी ही नहीं लिखता, उसकी जो साहित्य की कई स्वरूप होते हैं वो लिखते हैं। जैसे ये सिर्फ कविता नहीं लिखते, ये नाटक भी लिखते हैं, धर्मचिंतन भी करते हैं, है ना। एमनो काव्य संग्रह पूर्वाला गुजराती काव्य साहित्य में महत्वनु स्थान धरावे छे। उनका एक कविता का संग्रह जिसका नाम पूर्वालाप है, गुजराती काव्य साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये हमने कवि कांत का परिचय, श्री मणिशंकर रत्न जी भट्ट का परिचय देखा। अब आगे देखते हैं। अब कविता के बारे में अपन सूक्ष्म जानकारी लेते हैं। हिंद माता ने संबोधन कविता में क्या कहा गया, तो राष्ट्र प्रेमना काव्यों में कांतना आ काव्यनो खास उल्लेख करवामा आवे छे।
समग्र काव्य हिंद माता ने संबोधन रूपे लखायु छे। राष्ट्र प्रेम के काव्यों में कांत का इस कविता का खास उल्लेख किया जाता है। जैसे आपके हिंदी में भी कुछ कवि होंगे, उस कवि का नाम लेते हैं, उनकी कोई एक कविता याद आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहें कि माखनलाल चतुर्वेदी का नाम लेते ही हमें वो कविता याद आती, चाह नहीं सुरबाला के, आया याद है ना, उस पद पर देना फेंक जिस पर जाए वीर अनेक। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी कवि कांत का नाम लेते हैं तो हिंद माता ने संबोधन याद आ जाता है। जुदो जुदो धर्म पाळता भारत माता ना संतानों परस्पर प्रेम अने सहकार थी रहेवा माटे प्रार्थना करे छे। इस कविता में हिंद माता को संबोधित किया गया है और जुदो जुदो यानी अलग अलग, लिख लो आप, जुदो जुदो यानी अलग अलग। धर्म पालने वाले अपने भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध है ना, बहुत सारे धर्म हैं, तो ये पालने वाले भारत माता के संतान, भले धर्म अलग अलग है लेकिन सारी संतानें सिर्फ हिंद माता की है। जैसे एक माँ के चार बच्चे होते हैं, उसी प्रकार से हिंद माता के अलग अलग धर्म पालने वाले अपन लोग बच्चे हैं। परस्पर प्रेम, लेकिन कैसे रहते हैं, आपसी प्रेम, परस्पर यानी आपस में, लिख लो, परस्पर यानी आपस में। अने सहकार थी रहवा माटे प्रार्थना करे छे, सहकार यानी सहयोग, हम एक दूसरे के सहयोग से साथ से रहते हैं। हम किसी के, ये समाज में ऐसा है कि किसी के बिना कोई अलग कोई सोचे कि मैं अकेला सब कर लूँ तो वो मुश्किल है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम किसी का सहयोग हमेशा हमें प्राप्त हुआ रहता है। तो ये हमने कविता का परिचय देखा। आप ये देखिए चित्र है, अब भारत माता खड़ी हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेके, और उसमें आप देखेंगे उनके बच्चे अलग अलग धर्म पालने वाले ये लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हिंदू है, ईसाई है, जैन है, सिख है, हैं, और बुद्ध और जैन भी हैं, ये सब दिख रहे हैं आपको, आप देखिए ध्यान से। तो हम कविता शुरू करते हैं, आप ध्यान से उस कविता को सुनिए, समझिए और लिखते जाएं। ओ हिंद देव भूमि, देखो ये कविता की पंक्तियों की शुरुआत में ही संबोधित किया है। हम किसी को बुलाते हैं तो बुलाते ना, अरे ओ करके बुलाते हैं, तो ओ हिंद देव भूमि, अरे ओ हिंद देव, हिंद हिंद और भारत देव भूमि, और वो भारत कैसा है, देव भूमि। संतान सौ तमारा, ये सभी आपके संतान हैं। करिए मणि ने वंदन स्वीकार जो हमारा, करिए मणि ने वंदन, हम करते हैं मिल करके, मणि ने मतलब मिल करके, वंदन यानी नमस्कार, हम सभी मिल करके आपको नमस्कार करते हैं। स्वीकार जो हमारा, आप हमारा नमस्कार और वंदन स्वीकार करें। हिंदू अने मुसलमान विश्वासी पारसी जिन, हिंदू और मुसलमान विश्वासी पारसी जिन, पारसी एक पारसी लोग, जैसे ये टाटा जो सुनते हैं ना वो पारसी लोग हैं, नवरोजी पारसी, जिन यानी जैन है ना, विश्वासी यानी जो ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले हैं, ख्रिस्ती धर्म, तो हिंदू मुसलमान विश्वासी यानी ईसाई धर्म क्रिश्चियन, पारसी यानी पारसी लोग, जैन। देवी समान रीते संतान सौ तमारा, हे देवी ये सभी आपके संतान हैं, समान रूप से संतान है, जैसे माँ बड़े छोटे का भेद नहीं करती, सबको समान रूप से रखती है, सबको समान रूप से लाड़ प्यार करती है, उसी तरह से भारत माँ के ये सब संतान समान रूप से हैं। ये आप इस कविता में अब तक समझे। आगे अब देखते हैं, हिंदू अने मुसलमान विश्वासी पारसी जिन, देवी समान रीते संतान सौ तमारा, हे देवी हिंदू मुसलमान विश्वासी पारसी जिन, देवी ये सभी आप समान रूप से संतान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। पोषो तमे सहु ने, आप सभी को पोषित करते, जैसे माँ सभी बच्चों को खिलाती पिलाती है, भूख लगने पर उनको पेट भरती है। शुभ कान फान बख्शी, देखो आया शुभ यानी अच्छा, जैसे माँ अपने को स्वादिष्ट शुद्ध ताजा भोजन देती है, उसी तरह से भारत माता शुभ यानी पुष्टिदायक बढ़िया
ताजा पुष्टिकारक खान पान बख्शी, हमको बख्शना है देना, बख्शिश देना, भेंट करती है भारत माता हमको सभी को पोषित करती है। कैसे? शुभ खान पान बख्शी, सभी को खान पान दे करके हमको बख्शिश देती, सेवा करे बने ते संतान सौ तुम्हारा, और जो भी सेवा बन पड़ती है वो करती है और सभी संतानों की सेवा वो करती है। तो बच्चों यहाँ तक इतना समझ में आया, आज हम इतनी ही कविता समझेंगे पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो प्लीज़ इसको समझ लीजिएगा और अपना इतना लिख करके तैयार रखिएगा। ओके।